नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। अगर आप पालक की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो एक बार इस पालक दम आलू की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके परिवार को ये बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले हम किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे हम पालक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो पालक लिया है। पालक की जो मोटी वाली डंडियाँ होती हैं उसे मैंने तोड़ के हटा दिया है। उसके बाद पालक को दो तीन पानी मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका जो मिट्टी होता है वो पूरी तरीके से निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि चम्मच या छलनी की सहायता से पालक को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। गैस का आँच यहाँ पर मैंने तेज रखा है, तो बस तेज आंच पे इसे 3 से 4 मिनट आपको उबाल लेना है ताकि ये जो पालक है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो पालक यहाँ पे हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और पालक को हम क्या करेंगे कि छान के निकाल लेंगे। तो कोई एक बड़ा बर्तन ले लें, उसके ऊपर छन्नी को रख के इस प्रकार से छान दें तो पानी अलग हो जाएगा और पालक अलग हो जाएगा। तो पालक को हम ऐसे ही छन्नी के ऊपर छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और जब तक पालक ठंडी हो रही है तब तक हम आलू की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 400 ग्राम आलू लिए हैं और मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इसलिए मैंने आलू को बीच से कट कर दिया है। अगर आपने छोटे वाले आलू लिए हैं तो आप उसे ना काटें। और आप देख सकते हैं कि आलू में आपको छोटे छोटे छेद जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने पहले ही इसमें छेद कर लिया था। तो फोक की सहायता से आप एक एक आलू को इस प्रकार से छेद कर लें, थोड़ा पास पास करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो मसाले हैं वो आलू के अंदर तक अच्छे से चले जाएंगे और जो हमारा पालक दम आलू है ना वो बहुत लाजवाब बन के तैयार होगा। तो आलू यहाँ पर हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं इसके लिए मसाला तैयार करने के लिए। मसाले में यहाँ पे मैंने 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची लिया है। इसे हम क्या करेंगे कि दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को दरदरा कूट के एक बर्तन में निकाल लिया है। और इधर पालक भी हमारा ठंडा हो गया है, तो अब हम इस पालक को मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब आप जार का ढक्कन लगा लें और बस बिना पानी डाले आप इसे पीस लें। तो ये देखिए, पालक का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे रख देते हैं एक तरफ। कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच लगभग सरसों का तेल डाल के आप उसे अच्छे से गर्म कर लें। सरसों के तेल में इस सब्जी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तो तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। और यहाँ पे मैं आधा आलू डाल रही हूँ, बचे हुए आलू को हम दोबारा से फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करते समय गैस का आंच आप मीडियम से लो के बीच में रखें। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और इसे आपको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरा लेयर ना आ जाए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप इसे तेज आंच पे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, क्योंकि अगर आप इसे तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ये फटाफट से सुनहरे हो जाएंगे और अच्छे से ये पक नहीं पाएंगे, तो सब्जी के साथ पकाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ये देखिए, आलूओं के ऊपर अच्छा सा सुनहरा लेयर आ गया है, तो बस अब हम इसे फटाफट से तेल में से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे बचे हुए आलू थे उसे भी हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आलू हैं वो लगभग 80% तक पक चुके हैं, बाकी की जो 20% है उसे हम मसालों के साथ पकाएंगे। तेल अभी काफ़ी गर्म है, तो गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर दें, नहीं तो कढ़ाई आपकी जलने लगेगी। और अब आपको डालना है यहाँ पे तड़के में आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरा यहाँ पे अच्छे से चटकने लगा है, तो मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। अब आप गैस का आंच मीडियम कर दें और मीडियम आँच पर प्याज को तब तक भुनें जब तक कि प्याज आपकी हल्की सी सुनहरी होना शुरू ना हो जाए। प्याज यहाँ पे हल्की सी सुनहरी हो गई है, तो अब आप यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दें जो हमने पहले ही कूट के रखा था। प्याज के साथ इसे आप 1 से 1.5 मिनट तक भून लें, या इसे आप तब तक भूनें जब तक कि इसके जो कच्चेपन का टेस्ट होता है ना वो ना निकल जाए। तो प्याज हमारा भुन चुका है यहाँ पर, हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जो डाला था वो भी भुन चुका है प्याज के साथ। अब आपको यहाँ पर डालना है 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर आपके जल्दी पक जाएं, इसलिए यहीं पे आप नमक डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें नमक डाल सकते हैं।
गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर दें और 1/4 चम्मच यहाँ पे आप पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दें, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच यहाँ पे आपको डालना है धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है और सब्जी हमारी ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। बाकी तीखा आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। यहीं पे मैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ। नॉर्मली जब हम सब्जी बनाते हैं तो गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल बाद में करते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे डाल दिया है ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो हमारी सब्जी में अच्छे से आ जाए। अब आप इसे ढक दें और ढक के इसे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल धीमी आँच पर पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मसाले को पकते हुए पूरे 6 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे कि मसाले हमारे अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए, मसालों में से तेल निकलना शुरू हो गया है, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। जब भी कोई आप सब्जी बनाएं, मसाले को अच्छे से भुनें। मसाला अच्छे से नहीं भुनता है ना तो सब्जी का जो स्वाद है वो सही नहीं आता है, और इतनी मेहनत करके जब सब्जी अच्छी नहीं बनती है ना तो सच में खुद को अच्छा नहीं लगता। अब आपको यहाँ पर डालना है 2 चम्मच दही। यहाँ पे मैंने नॉर्मल दही का इस्तेमाल किया है, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है। दही डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि मसाले में से दोबारा तेल अलग होना शुरू ना हो जाए। गैस का आंच आप तेज़ रखें। अगर आप यहाँ पे लगातार चलाते हुए नहीं पकाएंगे ना तो कई बार क्या होता है ना कि दही फट जाती है। तो ये देखिए, मसाले में से तेल अलग होना शुरू हो गया है और दही हमारी बिल्कुल भी फटी नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा टिप्स बाई टिप्स बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इस सब्जी को लाजवाब बना सकते हैं बिना किसी गलती के। तो मसाले हमारे यहाँ पे तैयार हैं। अब आप यहाँ पे पिसा हुआ पालक डाल दें और मिक्सी के जार में लगभग 1/2 कप पानी डाल के जो बचा हुआ पालक का पेस्ट है ना उसे भी निकाल के हम डाल देंगे। मसाले के साथ पालक को आप यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दें और जो हमने आलू फ्राई करके रखा था उसे अब आप यहाँ पे डाल दें। आलू को पालक के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और अब आप इसे ढक दें और ढक के इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट तक, या इसे तब तक पकाएं जब तक कि आपके जो आलू हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से पक ना जाएं। तो यहाँ पे सब्जी को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं, तो खोल के इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारी सब्जी में से तेल अलग होने लगा है। तो एक आलू को फोक की सहायता से दबा के चेक कर लें कि आलू आपका अच्छे से पका है कि नहीं। अगर आप इसे थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं तो सभी मसालों को अच्छे से भुनने के बाद जब हमने आलू डाला था ना उस स्टेज पे आप क्या करें, सब्जी को कुकर में डाल के मीडियम आँच पर 2 सीटी लगा लें तो सब्जी आपकी जल्दी पक जाएगी। अब आप इसमें बारीक कटी हरी धनिया के पत्ते डाल के मिक्स कर दें और गैस बंद कर देते हैं और चलते हैं इस सब्जी को फटाफट से सर्व करने के लिए। आज की इतनी सब्जी में परिवार के 3 से 4 लोग बहुत आराम से खा लेंगे। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये जो सब्जी है वो खाने में बहुत लाजवाब लगती है। रेसिपी को और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्वाद का आनंद उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।